हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। हाँ। गांधी अगर चाहता तो गांधी अगर चाहता चौधरी साहब, आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं, तो गांधी चाहते क्या दीजिए? राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर भगत सिंह को बचाते, हम तो भगत सिंह की विचारधारा के हैं। अच्छा, आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं मिली थी। अच्छा, आजादी तो बम के धमाकों से मिली थी। अंग्रेज डर के भागे थे। अंग्रेजों की आप क्या, मैं डर के नहीं भागूंगा, मेरे बाल छोड़ दूंगा। और क्या पूछना चाहते हैं? तो नहीं, आप बड़े दिलचस्प आदमी चौधरी साहब। अगला क्या है, महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। यह आरोप बार बार लगाया जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने प्रभावों का इस्तेमाल कर भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की। ये गलत है। दरअसल 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे इसी नाम से गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। उसके पहले सब चाहते थे कि महात्मा गांधी उस समझौते में ये शर्त डाल दें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दी जाए। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं का दबाव भी था, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी और महात्मा गांधी का मानना कुछ और था। उनका मानना था कि गांधी इसके लिए इरविन से अलग से बात करें। गांधी ने इरविन से फांसी रोकने को कहा था। गांधी जी ने बात भी की, कहा, इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है, मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय ने इस पर हामी भी भरी थी, लेकिन ये कहा कि सजा कम नहीं होगी, टाली जा सकती है। बाद में इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी गांधी के साथ हुई इस बात का जिक्र किया था। फांसी वाले दिन तक गांधी कोशिशें करते रहे थे। महात्मा गांधी और उनके साथियों ने कानूनी रास्ता निकालने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी 21 और 22 मार्च को भी इरविन से मिले, 23 मार्च को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 24 मार्च को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना दुख बताया, कहा, मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। एक बात और याद रखी जाए कि भगत, राजगुरु और सुखदेव खुद माफी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। दुनिया में झूठ एक नई चुनौती बनकर उभरा है। झूठ की दीवार हमारे आसपास रोज बड़ी होती जा रही है और चौड़ी भी। झूठ की इस दीवार को भेदना अब आसान नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोजाना कई प्रकार के झूठ आप तक पहुंच रहे हैं। आप उन्हें विश्वास भी कर रहे हैं, उन पर धर्म, देश, रंग, जाति, व्यक्ति, योजना से लेकर इतिहास तक पर झूठ की नई परतें जमाई जा रही हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हें मोदी जी की कसम, कमेंट जरूर करोगे। और हाँ दोस्तों, काम नहीं, कारनामे बोलते हैं।